चैनल। अभी मैं चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सुराना का मोहल्ला है, जिसको सुराना की हवेली के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर पहले की पुरानी बनी हुई हवेलियाँ हैं, जो अपनी आर्ट पेंटिंग, और एक हवेली ऐसी है जिसके अंदर 1100 विंडो लगी हुई है, जिसको चूरू का हवा महल बोला जाता है, लेकिन उसके अंदर अभी जाने की परमिशन नहीं है। तो अभी मैं एक दूसरी जो हवेली है, जिसको साधु साधियों का ठिकाना बोला जाता था, साधुओं का कमरा बोला जाता है, एक्चुअली होता क्या था, जो पुराने समय के अंदर जिसको 150-200 साल हवेली को बने हुए हो गए, और इसके अंदर पहले जो साधु साध्वी थे वो समर वेकेशन के अंदर यहाँ पे आते थे, 4 महीने यहाँ पे रुकते थे, फिर वो अलग जगह घूमने के लिए निकल जाते थे। तो 4 महीने के लिए वो यहीं पे रुकते थे। इसको हम देखते हैं इसके अंदर की बनावट क्या है, ये अंदर इसको कैसा दिखता है अंदर से, और इसके ऊपर पेंटिंग वगैरह क्या लगी हुई है। ये साधुओं का जो कमरा है इसको बोला जाता है, इसका एंट्रेंस गेट है। इस गेट के जो बाहर पेंटिंग बनी हुई है, जब से इन पेंटिंग को बनाया गया उसके बाद इनके ऊपर कोई री इनोवेंट नहीं हुआ, ये जैसी बनाई गई थी ये वैसी की वैसी है। और अभी हम आपको ले चलते हैं इसके अंदर। ये इसके अंदर जो पेंटिंग बनी हुई है इसके अंदर ये दिखने में कैसी है, अभी ये इसकी टेरिस है। और जो अभी सामने हवेली दिख रही है, इसको चूरू का हवा महल बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर 1100 विंडो लगी हुई है। इस तरीके की छोटी छोटी 1100 विंडो इसके अंदर लगी हुई है। ये टेरेस के ऊपर बैठने के लिए कुछ चौकियां बनाई हुई हैं यहाँ पे। इस तरह की चौकियां जो जब कभी कोई ऊपर आए। ये सुराना का मोहल्ला, इसको हम हवेलियों का मोहल्ला भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिधर भी इधर ऊपर टेरेस से देखेंगे तो हर जगह आपको हवेलियां ही हवेलियां नजर आएंगी यहाँ पे। ये सुराना निवास